अगर आपका दोस्त मर जाए और आप अपने दोस्त को उसके फ़ोन के साथ दफना दे और वो कब्र के अंदर से आपके साथ कम्युनिकेट करने लग जाए तो? जी हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। इसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है, मिस्टर हैरिगन्स फोन। लेकिन अब इस मूवी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, डरिए मत, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। इस फिल्म के राइटर जो है स्टीफन किंग, उनकी स्टोरीज के साथ एक प्रॉब्लम होता है, वो सभी ऑडियंस के लिए नहीं होती, क्योंकि कभी कभी वो राज को राज रखने में ही विश्वास रखते हैं। आप मेरी बात समझ जाएंगे अगर आपने उनकी स्टोरीज के ऊपर बेस्ड मूवी देखी होगी तो। एग्जाम्पल के तौर पर सीक्रेट विंडो, 1408, कैरी, इनटू टॉल ग्रास, पेट सिमेट्री, इट चैप्टर 2, इनकी फिल्में अच्छी तो होती है, डरावनी भी होती है, लेकिन एंड में सेटिस्फाई नहीं करती ऑडियंस को। इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो थोड़ी सी मूवी के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर है क्रेग, उनका असली नाम जैडन मार्टेल, उनको आपने इट मूवी में भी देखा होगा। तो इस फिल्म के दूसरे कैरेक्टर है डोनाल्ड सदरलैंड, जिन्होंने मिस्टर हैरिगन का किरदार निभाया है। मिस्टर हैरिगन एक बुजुर्ग होते हैं, बिजनेसमैन, उनकी आंखें कमज़ोर होती है और वो क्रेग को हायर करते हैं कि वो हफ्ते में 3 बार आकर उन्हें किताबें पढ़ के सुनाए। तो ये रूटीन 5-6 साल तक चलता है। तो मिस्टर हैरिगन क्रेग को साल में 4 बार गिफ्ट कार्ड देते हैं। तो क्रेग एक बार $3,000 का गिफ्ट कार्ड जीतते हैं। तो वो $3,000 में से एक आईफोन खरीदते हैं मिस्टर हैरिगन के लिए, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास बस टेलीफोन होता है। तो वो जब मोबाइल फ़ोन हैरिगन को देते हैं तो वो मना करते हैं, लेकिन जब वो इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। क्रेग जब भी स्टोरी सुनाने बैठता है उनके आगे तो वो मोबाइल पर ही कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक रोज़ जब क्रेग आता है स्टोरी सुनाने के लिए, तब वो मिस्टर हैरिगन को मरा हुआ पाते हैं। तो उसी गड़बड़ी में वो मिस्टर हैरिगन का फ़ोन अपनी जेब में रखते हैं। तो वो फ्यूनरल के टाइम मिस्टर हैरिगन का फ़ोन उनके ही जेब में रख देते हैं और फ़ोन के साथ ही दफना देते हैं उन्हें। तो क्रेग के स्कूल में एक लड़का होता है केनी, वो उसे हर रोज़ परेशान करता रहता है। एक दिन केनी क्रेग को बहुत मारता है। तो क्रेग मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। वॉइस मैसेज पर चला जाता है कॉल और वो बताते हैं कि केनी ने उसे कैसे ट्रीट किया, और अगले ही दिन केनी की लाश मिलती है। बस यही तक बताऊँगा, बाकी की चीज़ें समझने के लिए आपको वो मूवी ही देखनी पड़ेगी जो नेटफ्लिक्स पर है, मिस्टर हैरिगन्स फोन।